ये है वीडियो का सेकंड पार्ट। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया ही था कि इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। गाइस हम पहुंच चुके हैं रानीखेत और यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमें यहाँ पे एक पार्क दिखाई दिया। बच्चे बड़े खुश हो गए देखकर। और ये ना मैंने सुना है, वैसे यूट्यूब वगैरह पर देखा है, काफ़ी फेमस है। तो बच्चों ने तो बस गाड़ी रुकवा ली और यहाँ पर इंजॉय करना था इन्होंने। तो आपको भी दिखाते हैं पार्क, चलो चलते हैं। कितने पर टिकट अभी है यहाँ की? लाइव है पर्स लाइव। जैसे कि गाइस आपने सुना, यहाँ पे आने के सिर्फ 5 रुपये टिकट है और लेकिन बच्चे इंजॉय बहुत कर लेंगे। 5 रुपये तो आपको पता ही है, कोई नाजायज है ही नहीं। 5 रुपये आज के टाइम में क्या मायने रखता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा वो कर रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। पार्क देखो आप गाइस, गाइस यहाँ पे लव झूला झूल रहा है, कह रहा है मम्मी धक्का दो क्योंकि ये हैवी है, अपने आप नहीं झूला जा रहा। तो ये देखो, ये भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं। सैम को तो फुल मजे आ रहे हैं। मजा आ रहा है सैम? इनको देखो बचपन याद आ गया। वो फुट गई टूई। भैया भाभी को देखो, वो अपना अकेले में मस्त हो रखे हैं वहाँ। ट्रेन जुलाई है। गाइस हम पहुंच चुके हैं रानी झील। तुम जाओ, अब रानी झील का मजा लिया जाएगा। चले सैम, वो करेंगे बैलून वाला। यहीं पे रखा है इन्होंने तो वहाँ तक है ना ये झील। इसको सही मतलब बोटिंग करना है, वो किनारे पे ही रखा हुआ है। लव कह रहा है उस बैलून में बैठना है, जो बैलून के अंदर डाल देते हैं और फिर उसमें घूमते रहो पानी में। देखिए कटघर बना हुआ है यहाँ पे, अभी हम लेंगे बाद में। पहले ये लोग आ जाए, ऊपर कुछ खा रहे हैं। तो ये है गाइस रानी झील, कितनी सुंदर है ना। चलेंगे चलेंगे मम्मी, ये बैलून आ रहे हैं उसमें ज्यादा चलाते हैं। हाँ आधे आधे
करें हम वोटिंग करते हैं, डैडी को भी आने देना, साथ में करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे जिप लाइन करने, मैं भी करूँगी। अभी हम आए हैं बच्चों को ये वाली एक्टिविटी, मतलब इसमें जो बैलून में बच्चे अंदर चले जाएंगे, फिर मारेंगे। और यहाँ पे ना कोई भी एक एक्टिविटी के 100 रुपये हैं एक बंदे के, हर एक्टिविटी के मतलब 100 रुपये हैं। तो इनको ये वाली करनी थी, तो हमने तो मस्ती करना शुरू हो गए हैं। हम जिप लाइन करेंगे बाद में, पहले इनको करवा देते हैं। जा रही हूँ जिप लाइन के लिए, बना दिया। सबसे पहले मैं ही जा रही हूँ, सब मना कर रहे हैं मैं नहीं जा रहा, तो मैं ही जाती हूँ। वापसी जाने का इरादा है क्या? सैम को तो वहाँ झूले पे ही मजा आ रहा है, झूला झूलने में लगा हुआ। इसको बोला था जंप, वो क्या बोलते हैं इसको, मैं भूली गई, लो जिप लाइन, वो करने के लिए इसने की नहीं, इसको डर लग रहा था। बस झूला झूल रहा है। सैम आ जाओ, चले आ। इस समय हम नैनीताल और रानी खेत के बीच के जंगलों में, और ये देखो आंटी पहाड़ों के बीच में गाय भैंसों के लिए कावे चारा काट रही है। इस समय इतनी ऊपर चढ़ गई, क्या कहना चाहोगी ऐसी औरत को? घास से बांध के फिर नीचे भी इकट्ठा कर रही है, इतने गौर से इतनी देर से देख रही है, क्या कहना चाहोगी? देख रही मैं गाय के लिए कितनी मेहनत कर रही है, ऐसी थोड़ी ना गाय भी स्लोड करो। आप क्या कहना चाहोगे ऐसी औरत को? ऐसी औरत कहीं मिलेंगी, इतनी मेहनती औरत कहाँ मिलेगी? मिल तो गई, मिलने गई और क्या, मिल तो गई यहाँ पे, वो हमें यहाँ मिली है। आगे लगाओ बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ पे है कैंची धाम मंदिर। तो गाइज ये यहाँ से दिख रहा है कैंची धाम मंदिर, ये काफ़ी फेमस है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो इस मंदिर के बारे में। अभी भी नहाते इधर। तो गाइज ये भीमताल, रात हो गई इसलिए ढंग से दिख नहीं रही। मम्मी इधर भीम नहाता है अभी? अब नहीं नहाते।